हेलो, व्हाट इज अप गाइस। तो मैं आ चुका हूँ फिर से एक बार, और आज मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि आप मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हैं, वो भी बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन किए। मुझे पता है कि आपको ये प्रॉब्लम जरूर होती होगी, और ये पूरा वीडियो देखना, और वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ यही कहेंगे, वाह मोदी जी वाह वाह। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो आपको मल्टीप्लेयर खेलने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगी, और आपको सर्च करना है ओमलेट आर्केड। तो मैंने सर्च कर दिए, अब ये पहली एप्लीकेशन आएगी, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये बिल्कुल ही फ्री है, आपको इसके लिए एक रुपया भी भरना नहीं पड़ता, और ये इसको आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के बिना भी लॉगिन कर सकते हैं, और इसके अंदर अलग अलग लेवल भी आते हैं। इससे आप पबजी, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट ऐसे स्ट्रीम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पर ऊपर ऑल वर्जन लिखा आएगा, उस पर क्लिक करना है, और उसमें आपका जो माइनक्राफ्ट का वर्ज़न है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा 10 वाला है, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको जो जो जिसके साथ खेलना है उसको सिलेक्ट कर लेना है बस। और यहाँ पे ज्वाइन का बटन है, उसको टैप करना है, तो मैंने टैप कर दिया। तो अब मेरी माइनक्राफ्ट ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स में जाना है, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग मेरे साथ खेलने के लिए रेडी हैं। तो वीडियो को पसंद आई है तो चैनल को सब कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे।